नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, पर जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस भी साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि वो जो हाफ मार्क है वो अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। इस रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए एक बार उर्मिलेश जी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। उर्मिलेश, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। तो एक हंग असेंबली की तरफ ये पूरे रिजल्ट्स दर्शा रहे हैं कि एक हंग असेंबली हो सकती है। 112 का जो आंकड़ा है 222 सीटों में, वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। और कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि वो शायद गठबंधन बनाने के लिए उत्सुक हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस, जो लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, वो अब एक साथ सरकार बनाएंगे? अगर ऐसा होता है तो जहाँ तक चीफ मिनिस्टरशिप है वो कांग्रेस को शायद छोड़नी पड़े। देखिए, अभी जो लेटेस्ट खबर है, थोड़ी देर पहले मैंने ये खबर सुनी और वो प्रामाणिक है कि सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और पहले अध्यक्ष थीं, उन्होंने एस देवगौड़ा साहब से बात की फ़ोन पर और उनको कहा कि कांग्रेस पार्टी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। इसके तत्काल बाद बंगलुरु में मौजूद गुलाम नबी आज़ाद ने सीतारामैया की मौजूदगी में एक प्रेस ब्रीफिंग की और प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बताया कि वो लोग देवगौड़ा साहब और उनके बेटे कुमारस्वामी दोनों से बात कर चुके हैं और दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने पर राजी हो गए हैं। तो कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जो दोनों में वैचारिक कटुता थी या राजनीतिक रणनीतिक स्तर पर अलगाव था, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे, वो भूलकर वो सरकार बनाने के ऊपर राजी हैं। अब सवाल ये है, जो संवैधानिकता है, कि नंबर वन पार्टी बीजेपी इमर्ज की है, राज्यपाल अगर संविधान की धाराओं का अनुपालन करेंगे तो सबसे पहले उनको बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत नहीं है, फिर भी आप सिंगल लार्जेस्ट हैं, हम आपको पूछना चाहते हैं सरकार बनाने के बारे में, आपके पास क्या उपाय है? क्योंकि आम तौर पे बीजेपी का जो 4 साल का शासन है, उस दौरान हमने अनेक बार देखा है कि जहाँ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही है, वहाँ पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टीज थी अपोजिशन की पार्टियाँ, उनसे गवर्नर साहबों ने नहीं पूछा। मणिपुर और गोवा एक गोवा उदाहरण है, तो वहाँ बिल्कुल नहीं पूछा गया और बीजेपी जो अल्पमत में थी, जिसको बहुमत नहीं मिला था, उनको जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का रास्ता दे दिया गया था। अब देखना है कि कर्नाटक के गवर्नर साहब क्या करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी को दूसरी किसी और पार्टी से सरकार बनाने का समर्थन मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। सिर्फ एक है कि निर्दलीय विधायक दो हैं, निर्दलीय में भी एक कांग्रेस बैक्ड है और एक इंडिपेंडेंट है। हम मान कर चलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है उसको बीजेपी अपने साथ पटा सकती है। थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि बीएसपी का जो उम्मीदवार एक जीता है, हो सकता है उसको भी वो पटा लें, थोड़ी देर के लिए हम मान कर चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो क्या करेंगे? तो बहुत मुश्किल है। अगर 112 का आंकड़ा नहीं आपके पास है तो आप बहुमत कैसे साबित करेंगे? लेकिन ये बीजेपी है, लोक मर्यादा, संविधान और नैतिकता मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता, क्योंकि केरल में हमने कई बार देखा है कि सरकारें एक और दो संख्या से बनी बिगड़ी हैं, लेकिन शायद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा दूसरे ढंग से सोचती हैं, उनका बिहेवियर वहाँ के कांग्रेसी भी बाहर के कांग्रेसियों से थोड़ा अलग दिखते हैं। तो अगर कर्नाटक की बात की जाए और कांग्रेस के गवर्नमेंट की बात की जाए, आखिरी के सालों में जो बहुत ही सोशल वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने निकाली और उन्हें लग रहा था कि इन स्कीम्स के बलबूते वो आगे बढ़ेंगे और अपना एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट कर पाएंगे, पर क्लियरली भाजपा को काफ़ी ज़्यादा गेन मिला है कर्नाटक में, बावजूद इसके कि येदुरप्पा जो एक करप्ट फेस हैं, रेड्डी ब्रदर्स जो एक करप्ट फेस हैं, उनको बीजेपी ने भारी तरीके से प्रमोट किया, फिर भी बीजेपी को एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल रही है, भले वो हाफ ए मार्क ना पहुंच रहे हो। इसका कारण क्या देखते हैं आप? क्योंकि करप्शन जो है भाजपा का एक बड़ा मुद्दा रहा है 2014 के इलेक्शंस में, और कर्नाटक में वो उन्हीं करप्ट फेसेस को टिकट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि करप्शन का जो इशू है, भारत के मध्य वर्ग को, भारत के मीडिया को और भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बहुत प्रिय है। जैसे बीजेपी हमेशा करप्शन के सवाल को उठाती है, कहती है कि हम विकासवादी हैं, हम विकास चाहते हैं, मोदी जी का यही प्लान था। लेकिन सवाल यह है कि कितनी उल्टी बातें हैं, विकास में कितनी इनकी रुचि है, किस तरह के विकास की बात ये करते हैं, और
भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नया लाएंगे शासन, हमें बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन करप्शन के जितने मामले इस सरकार के हैं, अब ये अलग बात है कि इस समय कोई इस तरह का न तो इनके पास लोकपाल है, लोकपाल के लिए ये इतना पीछे पड़े थे कि लोकपाल हम तत्काल बनाएंगे, लोकपाल आज तक नहीं बना है, तो कोई CBI इनके पास है, जिस तरह से ED का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जिस तरह से और एजेंसीज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि देवगौड़ा येदुरप्पा को इन्होंने अपना कमांडर बनाया वहाँ कि पार्टी के ये कमांडर हैं, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है उनको मान लीजिए कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन करप्शन की जो उनकी इमेज है वो तो लगातार उनका पीछा करेगी पूरे जीवन भर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन क्या इससे उनको ईमानदार छवि मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती। अभी बेलारी बंधुओं को देखिए, वो तो खुलेआम उनको तो कोर्ट ने भी नहीं राहत दी अभी तक बहुत सारे लोगों को, और बेलारी बंधुओं को BJP ने पैदा किया है। आपको बताएं जब वाजपेयी सरकार थी केंद्र में ऐसे मंत्री थे जिनकी पाक साफ छवि मानी जाती है, वो बेलारी बंधुओं को प्रोटेक्ट करते थे खुलेआम, और उसमें एक बहुत ही स्वनामधन्य नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बेलारी बंधुओं ने इस चुनाव में BJP का पूरा साथ दिया है। तो मसल पावर, मनी पावर और करप्शन सबका एक मिला जुला खेल खेला है, लेकिन एक चीज़ इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण है प्रांजल, कि ये इस चुनाव में आप देखेंगे कि BJP कर्नाटक में जो बहुत वर्षों से चाहती थी, खासकर कोस्टल बेल्ट में वो नाटक कर रही थी इस तरह का, वो हिंदुत्व की कोई तथाकथित लहर नहीं पैदा कर सके। अगर वो उस तरह का पोलराइजेशन करते, कम्युनल आधारों पर उसमें सक्षम होते, समर्थ होते, तो उनको 130 सीट मिलती, लेकिन वो नहीं पाए हैं। इसका ये मतलब है कि कर्नाटक की जनता ने कम्युनल एजेंडे को खारिज किया है। जो जीते हैं वो स्किल के बल पर, वो एक तरह से जिसकी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी जन प्रबंधन में, कि ये जन समर्थन नहीं, प्रबंधन करते हैं चुनाव का, और चुनाव प्रबंधन में ये अब उदाहरण के तौर पे जिस दिन वोटिंग चल रही थी कर्नाटक में, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी काठमांडू में एक मंदिर में पूजा कर रहे थे और त्रिपुंड लगा करके पूरा पूजा, जिस तरह अब सारे देश के सारे टेलीविजन काठमांडू में TV दिखा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन भारत का हर चैनल, मेनस्ट्रीम चैनल, चाहे वो कन्नड़ चैनल हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी, उस दिन केवल प्रधानमंत्री को दिखा रहा था। छोटे छोटे मामलों पर ये नजर रखते हैं, तो मुझे लगता है इसका फायदा इन्होंने उठाया है। आखिर क्या कारण रहा है कि ये जो कम्युनल पोलराइजेशन का पूरा टैक्टिक है वो कर्नाटक में नहीं चल पाए, क्योंकि कोस्टल कर्नाटका में कई ऐसे राइट विंग आउटफिट्स हैं जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और नमो ब्रिगेड हो गया, श्रीराम सेने हो गए, और कोस्टल कर्नाटका उनका एक प्राइम टारगेट रहा है कम्युनल पोलराइजेशन का। प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं तो वो ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं, हिंदू एक्टिविस्ट के मर्डर्स की बात हो रही थी, तो आखिर क्या कारण रहा है कि ये कम्युनल पोलराइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया कर्नाटक में? देखिए, इसकी एक तो वजह मुझे जो लगती है कि कर्नाटक में कम्युनल जो फोर्सेस हैं, जो बिल्कुल फासिस्ट टेंडेंसी जिनकी साफ दिखाई पड़ती हैं, उन्होंने कन्नड़ के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, जर्नलिस्ट को जिस तरह से निशाना साधा उन पर, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के दोनों जगह काम करने वाली जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मिले जुले एक तरीके से उन पर हमले कराए गए। एक ऐसा संगठन जो पुणे में सक्रिय है और उसका पुणे में हेडक्वार्टर है, उसके लोगों के नाम आए बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। अब मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिद्धरमैया सरकार अनेक क्षेत्रों में ठीक ठाक उसने काम किया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अटैक पर, इनको मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया। अगर उन्होंने पहुंचाया होता तो शायद BJP की स्थिति और ख़राब हो जाती, क्योंकि उसके सारे चेहरे पर्दाफाश हो जाते। तो मुझे लगता है कर्नाटक की जनता में एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि BJP का शासन में आना बहुत सारी जमातों को, बहुत सारे समाजों को, समुदायों को कर्नाटका में ये पसंद नहीं था कि ये इसी तरह की राजनीति करेंगे, मारपीट की, लड़कियां कहीं अगर जीन्स पहनकर कॉफ़ी पी रही हैं, कहीं चाय पी रही हैं, कहीं कैफ़े में बात कर रही हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उस पर उपद्रव करना, उस पर अटैक करना। लोग कर्नाटक में थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, साक्षरता भी ज़्यादा है, और लैंड रिफॉर्म्स चूँकि एक समय देवराज अर्स वगैरह के समय हुआ है, आधुनिकता भी आई है, औद्योगिक विकास हुआ है, सिलिकन वैली कहा जाता है उसको बेंगलुरु के, भारत का, तो उस वजह से एक मॉडर्निज्म जो वहाँ की सोसाइटी में है वो भी BJP के
समाज को पीछे ले जाने की जो मनोवृत्ति है उसके उलट है। ये जो उनको बढ़त मिली है कांग्रेस और जेडीएस के मुकाबले, अगर 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 अलग अलग देखा जाए जेडीएस कांग्रेस को, तो मैं समझता हूँ सिर्फ दो कारणों से मिली है। एक तो लिंगायत वोटों का जो कंसोलिडेशन रोकने की कोशिश सिद्धारमैया ने की थी, वो मुझे लगता है सफल नहीं हुई। तो लिंगायतों ने समझा कि उनके नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात हो रही है या न आने देने की बात हो रही है, तो शायद वहाँ कोई जरूर रिएक्शन हुआ है। और दूसरा एक ये हुआ है कि कांग्रेस ने ओवर एस्टिमेट किया अपनी ताकत को। उन्होंने समझा कि अगर सिद्धारमैया उनके एकमात्र मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जो बेहतर काम कर रहे थे, तो उनके बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि उनको एक ब्रॉडर यूनाइटेड फ्रंट कायम करना चाहिए था, और जेडीएस के साथ या दूसरी और फोर्सेज के साथ, तो शायद बीजेपी को इतनी सीटें भी ना मिलती। तो ये मुझे मूल कारण लगता है कि बीजेपी का हिंदुत्व वहाँ काम नहीं किया, लोगों ने अपने बेहतरी के लिए सोचा। अब वो सरकार बना लेते हैं तो ये आश्चर्यजनक घटना होगी। अगर नेतृत्व की बात की जाए तो क्या कांग्रेस और भाजपा का जो नेतृत्व है वहाँ का, उसका भी कुछ उनकी भी कुछ फेलियर्स रही हो अगर कांग्रेस के नेतृत्व की बात की जाए? क्योंकि मोदी जी लगातार रैली, मोदी वहाँ लगातार रैली कर रहे हैं और उनकी रैली में भीड़ भी आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व की अगर सेंट्रल लीडरशिप की बात की जाए, तो वो जहाँ तक कैंपेन की बात आई और आपने जहाँ तक कहा कि सिद्धारमैया के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया गया, जबकि भाजपा का पूरा सेंट्रल लीडरशिप वहाँ पर लगातार कैंपेन पे कैंपेन किए जा रहा था, और जनता दल सेक्युलर के साथ कोलिशन की अगर बात की जाए तो ये चुनाव के पहले भी किया जा सकता था। क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे से कई एरियाज में लड़ाई कर रहे हैं जहां भाजपा को बढ़त मिल रही है, तो ये नेतृत्व का फेलियर है कि नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नेतृत्व का फेलियर मानता हूं। और देखिए दो बातें हैं, बीजेपी के चुनाव प्रचार में जो आक्रामकता थी, जो एक उसमें तेजी थी, तीव्रता थी, वो आपको कांग्रेस में नहीं दिखती। अब मैं कन्नड़ नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता कि सिद्धारमैया साहब जो बोलते थे, मैं कई बार उनको बोलते हुए सुनता था, बहुत प्रभावशाली वक्ता बताए जाते हैं कन्नड़ के, तो वो किस हद तक क्या क्या एजेंडा अपने भाषणों में उठाते थे, बीजेपी के खिलाफ क्या क्या मामले रखते थे। लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे जो टॉप लीडर्स हैं उनको मैं सुनता था हिंदी या अंग्रेजी में, तो उनमें वो चीज़ नहीं थी, धार वो नहीं थी। एक तो ये, दूसरी बात, एक आपको मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कर्नाटक में अनेक ब्लंडर्स ही नहीं किए बल्कि झूठ बोला, और उसको एक झूठ मुझे याद आ रहा है उनका, जो जाने अनजाने जो भी था, मैं नहीं जानता उनके स्पीच राइटर्स कैसे हैं और वो उनकी क्या मंशा है। उन्होंने एक बार कहा कि और बिहार में तक्षशिला तक, तो जैसे ही उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया ने शाम तक उसको पकड़ा नहीं, लेकिन 6-7 बजे तक आते आते नीतीश कुमार तब लालू प्रसाद यादव से मिलकर मोदी जी के खिलाफ थे, उस समय चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने फौरन इसको पकड़ा और अपने भाषण में काउंटर किया कि बताइए ना, जो तक्षशिला पंजाब या पुराना पाकिस्तान में है उसको ये हमारे यहाँ बता रहे हैं, तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिकंदर कहाँ आया था, कहाँ नहीं गया था, गंगा पार करा रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तक्षशिला पाकिस्तान में है। और आपको बताऊँ, इसका इतना असर पड़ा कि अगले दिन अखबारों में नीतीश कुमार का भाषण और उनका भाषण मोदी जी का अगल बगल था। तक्षशिला वो बिहार में पहुंचा रहे थे, ये बता रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला को बिहार में बता रहा है। क्या थिमैया को लेकर, करियप्पा को लेकर, भगत सिंह के इशू को लेकर क्या कांग्रेस के किसी टॉप लीडर ने उसी दिन खंडन किया? नहीं किया। ये तो सोशल मीडिया ने किया, न्यूज़ क्लिक ने किया, स्क्रॉल ने किया, क्विंट ने किया, वायर ने किया, और वहाँ के सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने किया, इसको वैकल्पिक मीडिया आप कह सकते हैं, या सोशल मीडिया पर इंडिविजुअल्स ने किया। तो कांग्रेस इस तरह के अपने अभियान में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। ये आखिरी सवाल होगा मेरा कि मान लीजिए कि अगर जेडीएस और कांग्रेस एक साथ सरकार बनाते हैं, या फिर अगर भाजपा किसी के साथ मिलकर सरकार बना रही है, 2019 के लिए इसका क्या असर होगा? क्योंकि 19 अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस चुनाव का यक्ष प्रश्न यही है। मुझे लगता है कि कई बार विफलताएं या बड़ी कामयाबियां नहीं मिलती हैं तो आदमी को सबक मिलता है। कांग्रेस पार्टी को एक सबक मिलना चाहिए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो कर्नाटक में एक्टिव हैं या नहीं हैं, वो ये सबक है कि अगर बीजेपी को वे संविधान के खिलाफ, जनतंत्र के खिलाफ एक बड़ा खतरा मानते हैं,
अगर उनको लगता है कि भारत में विविधता, डेमोक्रेसी, जनतंत्र, सेकुलरिज्म सबको बचाना है तो बीजेपी को हराना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इन तमाम फोर्सेस को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक कॉमन एजेंडा तैयार करके और एक बड़ी मोर्चेबंदी की कोशिश अभी से करनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक यही है कि बीजेपी अपराजेय नहीं है। और दूसरी बात कि अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई सूबों में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस को उसमें बिग ब्रदरली एटीट्यूड से बचना चाहिए, छोटी पार्टियों को बिल्कुल छोटेपन ढंग से नहीं देखना चाहिए, उनको जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं उनके साथ एक बिरादराना एक व्यापक मोर्चेबंदी के लिए आगे आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको कांग्रेस के नेता जरूर तवज्जो दें, यही एक बड़ा सबक है इस चुनाव का। शुक्रिया उर्मिलेश, और शायद शाम तक ये साफ हो पाएगा कि सरकार आखिर बना कौन रहा है। और अगले शनिवार को जब हम फिर चर्चा करेंगे तो हम इन मुद्दों को फिर से एक बार आपके साथ उठाएंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।